गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सर्किल का आखिरी जो एक्सरसाइज है वो आखिरी एक्सरसाइज में है, 10.5 एक्सरसाइज है क्लास 9th की। चलिए आइए इस चीज़ को भी समझते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस गिवन है आपका कि इन द फिगर, मतलब क्वेश्चन में फिगर गिवन है। अगर क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं है तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस हमें फिगर को ड्रॉ करना होता है। फिगर गिवन है, ए बी एंड सी आर थ्री पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। सो ए बी सी एक सर्कल पे थ्री पॉइंट्स हैं और विद सेंटर ओ सच दैट बी ओ सी 30 डिग्री। सो यहाँ पर सेंटर सर्कल का ओ है जहाँ पर बी ओ सी इसकी वैल्यू 30 है और ए ओ बी, ए ओ बी इसकी वैल्यू जो है वो 60 है। और इफ टी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कम अदर देन द आर्क ए बी सी फाइंड ए डी सी। तो इस सर्किल के सर्कमफेरेंस पे एक और पॉइंट है, उस पॉइंट का पोजिशन डी पे है। तो गिवन सिचुएशन से हमें डी की वैल्यू निकालनी है। तो जैसा फर्स्ट क्लास में हमने बताया था कि इसमें जो टोटल जो 12 थियोरम्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, आपको उसको दो तीन बार प्रैक्टिस करना होगा, उसको लर्न करना होगा। अकॉर्डिंग टू दैट थियोरम्स आप जो है सारे क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ मुझे क्या देख रहा है आपको कि ए ओ बी, ए ओ बी प्लस बी ओ सी कर लें तो ये टोटल एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अब प्रॉपर्टीज आपकी ये है कि अगर आर्क आपका ए बी सी एक आर्क है, वो आर्क आपका सेंटर पे एक 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और अगर सेम आर्क लेते हैं तो सर्कमफेरेंस पे आपका ए बी सी जो आर्क है यहाँ पर एक एंगल फॉर्म करता है। तो प्रॉपर्टीज और एक थ्योरम्स है जो ये बताता है कि सेंटर पे जो आर्क एंगल बनाता है वो एंगल सेम आर्क अगर सर्कमफेरेंस पर लेते हैं तो उसका ये हाफ हो जाता है। सो अगर यहाँ पर ये ए बी सी सेंटर पे जो ए ओ सी एक एंगल फॉर्म कर रहा है वो 90 है, तो ए डी सी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 45 डिग्री। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर हमारे साथ ये गिवन है कि एक ऐसा सर्कल है, इस सर्कल में पी क्यू एक कॉर्ड है और पी क्यू कॉर्ड जो लेंथ है वो पी ओ और क्यू ओ रेडियस के बराबर है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट द पॉइंट ऑन मेजर आर्क। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पी ओ सी जो है एक एंगल, पी बी सी जो माइनर सेक्शन में है, ये आपका माइनर आर्क है, तो माइनर आर्क यहाँ पर कितने एंगल बनाता है, और ए पी पी ए क्यू ये जो है एक मेजर आर्क है, और ये मेजर आर्क जो है एक एंगल यहाँ फॉर्म कर रहा है। ये माइनर आर्क है, माइनर आर्क आपका यहाँ एंगल फॉर्म कर रहा है, और ये जो मेजर आर्क है ये मेजर आर्क आपका एंगल बी पे फॉर्म कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपको एंगल ए और एंगल बी की वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ पर जो गिवेन है आपका कि पी ओ अगर आपका एक रेडियस है और क्यू आर आपका रेडियस है और पी क्यू गिवेन है कि वो रेडियस इक्वल है, दैट मीन्स ओ पी क्यू ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब अ ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, दिस साइड इक्वल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपके सारे एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं। तो यहाँ से हमें पी ओ क्यू इस एंगल की वैल्यूज फाइंड आउट हो जाती है, और ये वैल्यू होती है 60 डिग्री। सिमिलरली ये भी 60, ये भी 60, ये 60 आ गया। सो यहाँ पर एंगल पी ओ क्यू की वैल्यू 60 आ गई। सिंस आर्क पी ए क्यू, ये जो आर्क है पी ए क्यू, ये जो आर्क है मेक्स रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 360 माइनस 60 इज इक्वल टू 300 एट द सेंटर। मतलब ये जो आर्क है, ये आर्क अपना एंगल जो है इस जगह पे ये एंगल बनाता है, पी ए क्यू आर्क जो है सेंटर पे ये एंगल बनाता है, और ये एंगल जो है 60 का रिफ्लेक्स है, और एक सेंटर पे टोटल एंगल 360 बनता है। सो यहाँ पर अगर ये 60 है तो ये हो जाएगा 360 माइनस 60, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 300।
तो 300 जो है डिग्री सेल्सियस जो है वो इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल है। सो वही आपको दिया हुआ है कि सिंस एन आर्क पी ए क्यू मेक्स रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू, सो पी ओ क्यू का एक एंगल ये बन रहा है। और अगर यहाँ कर अगर हमने ये कह दिया कि पी ओ क्यू का रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स मतलब इसके इस साइड का एंगल के बारे में बात कर रहा है, और वो एंगल आपको 300 डिग्री सेल्सियस सबट्रैक्ट करके आ गई। नेक्स्ट है पी बी क्यू, पी बी क्यू। अब ये जो आर्क है, ये आर्क एक सेंटर पे एंगल आप परफॉर्म कर रहा है 300 डिग्री, और सेम आर्क जो है वो एक सर्कमफेरेंस पे एक एंगल फॉर्म कर रहा है पी ए क्यू जो है ये एंगल फॉर्म कर रहा है सर्कमफेरेंस पे। तो सेंटर का जो एंगल होता है वो सर्कमफेरेंस पे क्या होता है, इसी का हाफ हो जाता है। तो यहाँ पर एंगल पी बी क्यू का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 150। सो पी बी क्यू जो होगा रिफ्लेक्स एंगल का हाफ हो जाएगा, और ये 150 डिग्री इसकी वैल्यू आ गई। सिमिलरली ये जो आर्क है पी बी क्यू, ये जो आर्क है ये आर्क एक सेंटर पे एंगल 60 फॉर्म कर रहा है, और ये सेम आर्क पी बी क्यू जो आर्क है वो सर्कमफेरेंस पे पॉइंट ए पे पी ए क्यू एंगल फॉर्म कर रहा है। सो अगर ये 60 है तो ये 60 का आपका हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स ये एंगल हो जाएगी आपकी 30 डिग्री। क्लियर हो गया। सो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क इज 150 डिग्री एंड ऑन द मेजर आर्क इज 30 डिग्री। सो ये जो आर्क है ये 150 एंगल बना रहा है, और ये जो आर्क है यहाँ पर ये क्या है स्मॉलर है, सो ये माइनर है, और ये क्या है आपका मेजर आर्क है। सो मेजर आर्क 150 बना रहा है और माइनर आर्क आपका 30 डिग्री एंगल्स फॉर्म कर रहा है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन द फिगर एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री दिया हुआ है। फिगर यहाँ गिवन है पी क्यू आर, ये 100 गिवन है। वेयर पी क्यू आर पॉइंट्स ऑन द सर्किल विद सेंटर ओ। सो पी क्यू आर जो है वो सर्कमफेरेंस पे सर्किल पे है, और उस सर्किल का सेंटर आपका वो है। देन आपको फाइंड आउट करना ओ पी आर, ओ पी आर की वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी। सो यहाँ पर जो गिवन है पी क्यू आर वो 100 है, और पी क्यू आर जो ये एंगल गिवन है वो 100 है, और फाइंड आउट करना है ओ पी आर। सो प्रॉपर्टीज़ क्या है यहाँ पर कि सिंस द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। तो प्रॉपर्टीज़ ये है कि अगर ये आर्क आपका दिया हुआ है दिस वन आर्क, एक ये आर्क है दिस वन आर्क, और ये आर्क जो है वो सेंटर पे ये एंगल बना रहा है दिस वन, और सेम ये जो आर्क है वो सर्किल के सर्कमफेरेंस पे पी क्यू आर बना रहा है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि आपका ये जो एंगल 100 है दिस वन, यहाँ पर क्या हो जाएगा वो इसका ये डबल हो जाएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो अभी हमने प्रॉपर्टीज़ किया कि एंगल जो है एक आर्क जो सर्किल के सेंटर पे जो एंगल बनाता है, ये एंगल यहाँ पर आके हाफ हो जाता है, दैट मीन्स कि दिस एंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका डबल 200 हो जाएगा। और पी ओ आर जो है वो इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल है, ये पी ओ आर दिस वन एंगल जो है वो इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल है। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं, तो 360 में से जब हम इस एंगल को माइनस कर देंगे तो हमारा ये एंगल मिल जाएगा। सो 360 से अगर हमने 100 माइनस कर दिया, दैट मीन्स ये जो एंगल मिल जाएगा आपको वो 160 मिल जाएगा, क्योंकि ये 100 है तो ये 200 है। सो 360 माइनस 200 आपका हो जाएगा 160। और सिंस कि यहाँ पर पी ओ और ओ आर दोनों सेम साइड है, सो ओ पी आर जो है एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है जिसमें कि दो साइड्स इक्वल हैं, और जिस किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं उसके कॉरस्पॉन्डेंस जो एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। दैट मीन्स कि एक्स प्लस 160 इट इज़ इक्वल टू 180, और वहाँ से जो इनका जो वैल्यू आपको आएगा
वो आएगा 10 डिग्री। इसी चीज़ को यहाँ पर मेंशन किया गया है कि रिफ्लेक्स एंगल POR, सो POR का रिफ्लेक्स मतलब ये रिफ्लेक्स ऑलवेज बड़े वाले को हम लोग शो कर देते हैं, POR स्मॉलर एंगल तो शो कर देंगे, लेकिन अगर POR रिफ्लेक्स कर रहे हैं तो जो ग्रेटर एंगल होगा वो उसके बारे में है। तो रिफ्लेक्स दिस एंगल 2 into PQR, PQR अभी हमने डिस्कस किया कि ये एंगल इसका डबल क्यों होगा। सो रिफ्लेक्स PQR की वैल्यू हो गई 200। सो यहाँ से आपको POR मीन्स POR ये अंदर वाला जो एंगल हो जाएगा वो 360 - 200 = 160 हो जाएगा। अब अगेन वही चीज़, ट्रायंगल OPR, OPR में OP और OR इक्वल है, OP और OR इक्वल है, तो उनके बेस एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इक्वल। सो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। दिस वन एंगल 160 है, तो यहाँ पर इन दोनों का जो सम हो जाएगा, जो वैल्यूज हो जाएगी वो 160 को माइनस कर देंगे तो इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी, और क्योंकि ये दोनों सेम है सो 2 से डिवाइडेड कर देंगे यहाँ पर, तो एवरेज ये 10 और 10 आ जाएगा। सो 10 + 10 + 160 = इस ट्रायंगल का सम हो जाता 180 डिग्री। सो यहाँ पर हमने ओ पी आर की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस के साइड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि इन द फिगर, ये फिगर गिवन है, ए बी सी 69 डिग्री है, ए बी सी ये टोटल एंगल जो है वो 69 है, और एंगल ए सी बी 31 डिग्री है, ए सी बी ये एंगल जो है छोटा वाला ये 31 डिग्री है। सो बी डी सी इस एंगल की वैल्यूज आपको निकालनी है। सो देखिए पहले मैं तो इसका एक समराइज करके बताता हूँ, फिर एक्सप्लेनेशन ही बता देता हूँ। सबसे पहले हम ट्रायंगल लाएंगे ए बी सी में, क्योंकि हमारे पास एंगल बी की वैल्यू मालूम है और हमें ए सी बी की भी वैल्यू मालूम है, और एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में से अगर इन दोनों को माइनस कर दें ऐड करके तो हमें एंगल ए की वैल्यू मिल जाएगी। अब सिंस यहाँ जो आपका बी सी कॉर्ड है, बी सी कॉर्ड जो है आपका सेम सेगमेंट में एक एंगल बना रहा है बी ए सी और एक एंगल बना रहा है बी डी सी, तो कोई भी कॉर्ड सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल बनाते हैं सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे। सो जो एंगल ए की वैल्यू होगी वही एंगल डी की वैल्यू होगी। सो सेम प्रिंसिपल पर हम लोग करते हैं, ए बी सी एक ट्रायंगल ले लेते हैं और इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है। यहाँ पर हमको बी ए सी की वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन रिमेनिंग टू एंगल्स की वैल्यूज मालूम है, इनको ऐड कर देते हैं, ऐड करके इनको आर एच एस में शिफ्ट कर देते हैं ऐड करके। सो 180 - 100 हो जाता है 80, दैट मीन्स एंगल ए की वैल्यू क्या हो गई 80। सिंस एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, देयरफॉर जो एंगल ए की वैल्यू होगी वही डी की वैल्यू होगी, इस तरह से एंगल डी की वैल्यू भी हो जाती है 80 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इन द फिगर, ये फिगर गिवन है, ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ए बी सी डी ये 4 पॉइंट सर्कल पे है, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, ए सी और बी डी पॉइंट ई पे आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट मतलब होता है एक दूसरे को काटना, तो ये ई पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, सच दैट बी ई सी 30 डिग्री, इस तरह से कट कर रहे हैं जहाँ पर कि बी ई सी की वैल्यू हो जाती है 130 डिग्री। सो फाइंड करना है, और नेक्स्ट है ई सी डी 20 डिग्री, और ई सी डी ये एंगल आपको 20 डिग्री हो जाती है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि बी ए सी इस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो चलिए मैं पहले शॉर्ट में लेता हूँ, फिर एक्सप्लेन कर देते हैं, एक्सप्लेन भी कर देंगे। देखिए शॉर्ट में क्या है कि बी ई डी एक स्ट्रेट लाइन है, और वहाँ पर एक एंगल अगर 130 है तो 130 को अगर 180 से माइनस करेंगे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा, और ये अगर 130 है तो दैट मीन्स ये 50 हो जाएगा। अब ट्रायंगल डी ई सी में आ जाते हैं, एक एंगल 20 है और एक 50 है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 70 हो जाता है, और 180 से माइनस कर देंगे तो 110 डी की वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ प्रॉपर्टीज़ आपकी लगेगी कि बी सी जो एक कॉर्ड है
और सेम सेगमेंट में एंगल ए फॉर्म कर रहा है और एंगल डी फॉर्म कर रहा है, तो बाय प्रॉपर्टीज ये होता है कि सेम सेगमेंट में एक कॉर्ड जितने भी एंगल बनाते हैं सारे इक्वल बनाते हैं। सो अगर डी की वैल्यू जो है आपकी 110 है तो ए की वैल्यू भी 110 हो जाएगी। इसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है, क्योंकि आपने दोनों एंगल को ऐड किया बिकॉज बी ई डी जो है एक लीनियर पेयर है, एक स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें मालूम है। सो हमने डी ई सी या सी ई डी की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करके हमने 50 निकाल ली। अब अगेन हम आ जाते हैं ट्राइंगल ई सी डी में, ट्राइंगल ई सी डी इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये दिस प्लस दिस प्लस दिस, तीनों का सम 180 होता है। वेयर ई डी एस मतलब एंगल डी की वैल्यू नहीं मालूम है, बाकी रिमेन दोनों वैल्यूज हमने मालूम है। ये 50 अभी हमने निकाला है और 20 हमारा गिवन था। सो यहाँ पर ई डी एस की जो वैल्यू हो जाएगी इनको ऐड करके आर एच एस में शिफ्ट कर देंगे तो ई डी एस की वैल्यू 110 हो जाएगी। बट ई डी एस और ई डी एस दोनों सेम है, एंड जो प्रॉपर्टीज आपकी होती है, सिंस एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल देयरफॉर बी ए सी और बी डी सी इक्वल हो जाएगा। मतलब बी सी आपका एक कॉर्ड है जो सेम सेगमेंट में एंगल ए और एंगल डी बना रहा है, तो एंगल डी और एंगल ए की वैल्यू सेम हो जाएगी। सो डी की वैल्यू 110 है तो ए की वैल्यू भी यहाँ से 110 हो जाएगी। सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ई, जो इसके डायगोनल्स ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो इस फिगर में देखते हैं, यहाँ पर ये फिगर है, यहाँ पर गिवन है कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और इसके जो डायगोनल्स है वो ए सी और बी डी वो ई पॉइंट पे कट कर रहे हैं, और गिवन है एंगल डी बी सी 70, डी बी सी एंगल 70 है और बी ए सी, बी ए सी की वैल्यू 30 डिग्री गिवन है। फाइंड बी सी डी, सो बी सी और डी इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। दिस वन, ये एंगल जो है इसकी एंगल फाइंड आउट करनी है। इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी सी, यहाँ पर ए बी साइड और दिस साइड इक्वल है, और फाइंड और फर्दर आगे भी फाइंड आउट करना है ई सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी। ई सी डी एक तो ये टोटल एंगल होगा और फिर आपको ये भी एंगल आपको फाइंड आउट करना है, बी डी सी, बी सी डी एक ये टोटल एंगल फाइंड आउट करना और ये छोटा वाला एंगल है ये भी फाइंड आउट करना है। देखिए शॉर्ट में पहले इस चीज़ को पहले देखते हैं, समझते हैं और फिर इसका सॉल्यूशंस भी देखते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि अगर किसी ट्राइंगल में बी ए बी सी में दो साइड इक्वल हैं, दैट मीन्स कि इनके बेस के एंगल भी इक्वल होंगे। सो अगर ये 30 है तो आपका ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो पा रहा है? ओके, नेक्स्ट क्या होता है कि सेम आर्क जो होता है, जैसे कि अगर हमने ये आर्क ले लिया तो सेम सेगमेंट में जितने एंगल बनते हैं वो सेम बनते हैं। इस प्रॉपर्टीज़ पे ही इसको हम लोग आगे समझते हैं। सो यहाँ पर दिया है कि इसके बी डी सी मीन्स दिस एंगल और बी सी ए, बी सी ए दिस एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये साइड्स आपका आपस में इक्वल है। सो इस एंगल की वैल्यूज हो गई 30 डिग्री क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। अब आते हैं ट्राइंगल बी सी डी में, ट्राइंगल बी सी डी इस ट्राइंगल में आते हैं और इस ट्राइंगल में दिस प्लस दिस और प्लस दिस इनका जो वैल्यू होता है वो सेम होता है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग बी सी एक आर्क है और बी सी आर्क जो है वो सेम सेगमेंट मतलब इस साइड में सेगमेंट में दो एंगल बना रहा है। बी सी एक एंगल ए बना रहा है, बी ए सी और एक एंगल बी डी सी। तो बाय प्रॉपर्टीज हमें मालूम है कि कोई भी कॉर्ड अगर सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल बनाते हैं वो इक्वल होते हैं, दैट मीन्स कि बी डी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 30। सो वही यहाँ पर बी डी सी की वैल्यू आपकी 30 पुटअप की गई है। ऑलरेडी 70 जो वैल्यूज हमें मालूम है, ये 30 हो गया, 70 हो गया, इन दोनों को ऐड कर लिया और बी सी डी इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इनको ऐड करके आर एच एस शिफ्ट कर लिया। सो बी सी डी की वैल्यू हमारे पास 80 आ गई, बी सी डी की वैल्यू 80 आ गई। अगेन थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन करेंगे, ट्रायंगल बी सी डी में हम इस ट्रायंगल में हैं और इस ट्रायंगल में
बी सी जो आर्क है, सॉरी कॉर्ड है, ये कॉर्ड सेम सेगमेंट में दो एंगल बना रहा है, एक बी ए सी बना रहा है और एक बी डी सी बना रहा है। तो बाई प्रॉपर्टीज़ क्या होता है कि सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल कोई कॉर्ड बना रहा होता है या आर्क बना रहा होता है तो वो दोनों सेम होते हैं। सो यहाँ पर एंगल ए की वैल्यू 30 है तो डी की वैल्यू भी 30 हो जाएगी। अब बी सी डी में हमें ये वैल्यू 30 मालूम, ये 70 मालूम है, 180 में दोनों को ऐड करके माइनस कर लेते हैं तो हमें बी सी डी की वैल्यू मिल जाती है और वो वैल्यू होती है 80। अब यहाँ पर जो गिवन है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम लोग ट्रायंगल में आ जाते हैं बी ए बी सी में, तो दिस टू साइड्स इक्वल, तो बेस के एंगल आपस में, दिस टू साइड बेस के एंगल आपस में इक्वल होंगे 30 डिग्री। सो यहाँ से जो वैल्यूज निकलेगा, ये और ये 30 डिग्री है, दैट मीन्स ये जो एंगल होगा वो एंगल क्या होगा, 180 में से हम इनका सम इससे माइनस कर देते हैं। सो यहाँ पर ये 70 है, 30 + 30 हो जाएगा आपका 60, और 180 से अगर हमने 60 माइनस कर दिया दैट मीन्स ये जो टोटल एंगल होगा वो 120, और 120 से हमने 70 माइनस कर दिया तो हमारा ये वैल्यूज यहाँ पर आ जाएगा, दैट मीन्स कि ए बी ई की वैल्यू ये आ जाएगी आपके 50 डिग्री। सो यहाँ पर सेम कैलकुलेशन है, 50 डिग्री। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आर्क और कॉर्ड। यहाँ ए डी जो कॉर्ड है वो सेम सेगमेंट में दो एंगल बना रहा है, एक ए सी डी बना रहा है और एक ए बी डी बना रहा है। तो अभी हम लोगों ने निकाला यहाँ पर ये जो एंगल है ए बी डी की वैल्यू 50 निकाली है, ये एंगल 50 निकाला है, दैट मीन्स ये अगर 50 है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा आपका 50। सो जो नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना था कि ई सी डी की वैल्यू क्या होगी, तो वो वैल्यूज हो जाएगी 50 डिग्री। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन में इफ डायगोनल्स ऑफ ए सर्कल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो पहले चीज़ों को थोड़ा हम लोग फिर से रिवीजन भी कर ले, समझ मिले। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहने का मतलब कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 पॉइंट से सर्किल ड्रॉ किया जा सकता है तो उसे हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज होती है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का, जैसे एंगल बी प्लस एंगल डी की वैल्यूज 180 होती है, सिमिलरली एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू 180 होती है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की वैल्यू होती है और रिलेशन होता है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कंडीशन ये होता है कि इनके 4 पॉइंट्स होते हुए एक सर्किल ड्रॉ किया जा सके। सो यहाँ पर दिया है कि डायगोनल्स ऑफ ए साइकिल क्वाड्रिलेटरल, तो यहाँ डायगोनल है ए सी और बी डी, आर डायमीटर ऑफ द सर्किल, तो यहाँ पर ए सी और बी डी सर्किल का डायमीटर भी है, ए सी और बी डी सर्किल का डायमीटर भी है। इसका मतलब ये भी लेंथ आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है। सो ओ डी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी बिकॉज इट इज़ अ रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी एक आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज को अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो हम लोग ये पाएंगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो गिवन है हमारा कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी इक्वल है। नेक्स्ट अगर ये हमारा जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दैट मीन्स एंगल बी और एंगल डी की वैल्यू 180 हो जाएगी, एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू 180 हो जाएगी। बट कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल हो सकता है, क्योंकि रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज होती है कि डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर एंड डायगोनल्स आर इक्वल। तो इस केस में हमारा यहाँ पर गिवन है कि डायगोनल्स जो हैं वो इक्वली एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ऑल आर रेडियस एंड ऑल आर डायमीटर्स, और सर्किल के सारे जो डायमीटर्स हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ से ये प्रॉपर्टीज जो गिवन है वो ये है कि डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, दैट्स व्हाई इट इज ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल का डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल तब हो सकता है जब उसके डायगोनल्स इक्वल हो जाए और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर सके। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है आपका इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रैपीजियम। तो अगर हमारे पास ए बी सी
डी एक ट्रैपीजियम है, ट्रैपीजियम का मतलब होता है कि ओनली वन वर्टिकल अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और ए डी और बी सी जो है वो नन पैरेलल साइड्स हैं, तो वही कह रहा है कि नन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रैपीजियम आर इक्वल। सो ए डी और बी सी जो नन पैरेलल साइड्स है वहाँ पर ए डी और बी सी आपस में इक्वल है, तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसका मतलब कि हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल बी प्लस एंगल डी की वैल्यू 180 होगी, एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू 180 होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं कि डी से ई पे हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, और ई सी से एफ पे एक परपेंडिकुलर डाला, और ये दोनों परपेंडिकुलर ए बी पे डाला। सो डी परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। नेक्स्ट स्टेप में करते हैं डी ई ए एक ट्रायंगल ले लेते हैं और सी एफ बी एक ट्रायंगल ले लेते हैं। इस दो ट्रायंगल्स में क्या गिवन है, ए डी साइड जो है वो बी सी साइड के इक्वल है गिवन है, और डी ई ए इक्वल है सी एफ बी के, वाई बिकॉज 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, और यहाँ पर डी ई साइड जो है वो सी एफ साइड के इक्वल होगा, वाई बिकॉज पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। तो हमने यहाँ से शो कर दिया आर एच एस से, है ना, आर एच एस से दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, और अगर ये दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हो गई, दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हो गई तो हमें कुछ रिलेशन मिले। एक रिलेशन मिला एंगल ए और एंगल बी के बराबर हो गया, दूसरा रिलेशन मिला ए डी ई जो है इक्वल होगा बी सी एफ के, ए डी ई बी सी एफ के इक्वल हो गया। अब हमने इसी रिलेशन से कंटिन्यू किया, और ये दोनों रिलेशन बाई सीपीसीटी है, और हमने इस सेकंड वाले जो रिलेशन है उसको कंटिन्यू किया। सेकंड रिलेशन क्या था, सेकंड रिलेशन था ए डी ई इक्वल है बी सी एफ के, इस रिलेशन्स को, और हमने बोथ साइड 90 अगर ऐड कर देंगे तो भी ये रिलेशन्स आपस में मेंटेन रहेगा, बट 90 की जगह पे हमने इस एंगल में अगर 90 ऐड कर दिया, 90 मतलब हो गया ई डी सी, ये 90 है क्योंकि अगर वो इधर परपेंडिकुलर है ये लाइन, तो इस लाइन ये इधर भी परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं। सेम वे हमने एफ सी बी या बी सी एफ में जो 90 ऐड किया था उस 90 की जगह पे एफ सी डी लिख देते हैं, एफ सी डी लिख देते हैं, बट अगर इनको और इनको ऐड कर दें तो ये हमें डी एंगल मिल जाता है, और इनको ऐड कर दें तो ये सी मिल जाता है, एंगल डी इक्वल टू एंगल सी। तो अब तक हमने दो रिलेशन निकाल ली, एक डी सी के बराबर, एक ए बी के बराबर है, बट अगर हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल में आ जाते हैं तो सम ऑफ ऑल एंगल्स 360 हो जाता है। तो हमने क्या कर लिया कि इसमें जिस जगह पे सी था, सी की जगह पे हमने एंगल बी को पुट अप कर दिया, क्योंकि सॉरी जहाँ पर हमें डी मिला था डी की जगह पे सी, सी की जगह पे डी पुट अप कर दिया, एंगल सी की जगह पे एंगल डी पुट अप कर दिया, नेक्स्ट एंगल ए की जगह पे बी पुट अप कर दिया इस इक्वेशन में। सो यहाँ से हमें मिल गया 2 एंगल बी प्लस 2 एंगल डी, क्योंकि एंगल डी एंगल सी के बराबर है, तो सी की जगह पे डी कर देंगे, डी प्लस डी 2D हो जाएगा, और ए बी के बराबर है तो ए बी प्लस बी आपका 2B हो जाएगा। दोनों में से 2 कॉमन लेके इस साइड से करेंगे तो एंगल बी प्लस एंगल डी की वैल्यू 180 हो जाएगी। आपने यहाँ प्रूफ कर दिया कि एंगल बी और एंगल डी की वैल्यू दोनों ऐड कर रहे हैं तो 180 डिग्री हो रहा है, और ये तभी पॉसिबल है जब ए बी सी डी आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो, बट ये गिवन है कि ए बी सी डी एक ट्रैपीजियम है, सो ए बी सी डी इज अ साइक्लिक ट्रैपीजियम। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है कि टू सर्कल इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स बी एंड सी। तो यहाँ पर हमें एक सर्कल ये गिवन है और एक स्मॉलर सर्कल ये गिवन है, और ये दोनों सर्किल एक बी और सी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को कट करना, ये कट करते हैं। टू लाइंस सेगमेंट ए बी डी एंड पी बी क्यू आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्किल एट ए डी पी क्यू रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर ए डी बी, ए बी डी, ए बी डी एक लाइन ड्रॉ किया गया, नेक्स्ट पी बी क्यू, पी बी क्यू
ये लाइन ड्रॉ किया गया स्ट्रेट लाइन, ए बी डी एक स्ट्रेट लाइन है और पी बी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है जो सर्किल के ए डी पी क्यू पे रिस्पेक्टिवली कट कर रहे हैं। तो हमें प्रूफ करना यहाँ पर है कि ए सी पी की जो वैल्यू है ए सी पी दैट मीन्स दिस एंगल इक्वल टू क्यू सी डी, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। चलिए हम लोग पहले यहाँ पे आते हैं कि सिंस एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, सो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ए सी पी, ए सी पी मतलब हमने ले लिया यहाँ पर ए पी आर्क ले लिया, तो ए पी आर्क के इस साइड का जो सेगमेंट में दो एंगल बन रहे हैं कौन कौन सा बन रहा है, ए पी जो है एक ए सी पी फॉर्म कर रहा है और ए पी ही आर्क आपका ए बी पी फॉर्म कर रहा है। सो ए सी पी एंगल इक्वल हो जाएगा ए बी पी के, सो पहला रिलेशन मिला। सेकंड क्यू सी डी, क्यू सी डी मतलब यहाँ पर हमने आर्क लिया क्यू डी, क्यू डी आर्क एक एंगल बना रहा है क्यू सी डी और एक एंगल बना रहा है क्यू बी डी, तो यहाँ पर ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे और हमने पहले दिखाया है ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। सो ये इक्वेशन नंबर वन हो गया और ये इक्वेशन नंबर टू हो गया। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए बी डी एक स्ट्रेट लाइन है और पी बी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है गिवन है और दो स्ट्रेट लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ पर ये एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो ये केस क्या हुआ आपका, थर्ड केस हुआ, इक्वेशन नंबर थर्ड हुआ। तो हमने क्या क्या चीज़ प्रूव किया, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। तो जब ये एंगल आपस में इक्वल होगा सो हमारे पास जो थ्री के इक्वेशंस हैं उस थ्री इक्वेशन से प्रूव होता है कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, क्लियर है। फिर दोबारा शॉर्ट में थोड़ा सा इस चीज़ को दोबारा एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा लगता भी है कि मुझे समझना चाहिए। यहाँ ए पी जो आर्क है ये आर्क सर्कमफेरेंस पे एक सी पे एक एंगल बना रहा है और सेम वे ए बी पी ये बी पॉइंट पे एक एंगल बना रहा है, दैट्स वाई जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस थ्योरम के अकॉर्डिंग एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू सेम हो जाएगी। वहीं यहाँ पर डी क्यू जो आर्क है एक एंगल सी पे फॉर्म कर रहा है और डी क्यू आर्क एक एंगल बी पे फॉर्म कर रहा है, सो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको दो इक्वेशन मिली, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू। बट ए बी डी और पी बी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है और दो स्ट्रेट लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जो होते हैं उनके इक्वल होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो वन टू थ्री जो इक्वेशंस है इस इक्वेशन से आपको मिल गया कि जब ये दोनों इक्वल होंगे तो ये भी आपका इक्वल होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टेन। क्वेश्चन नंबर टेन में दिया हुआ है कि इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एज अ डायमीटर, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एज अ डायमीटर। तो यहाँ तक पहले हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ एक सर्कल ये बड़ा वाला एक ड्रॉ किया गया, एक छोटा वाला ड्रॉ किया गया है और ये दोनों सर्कल का जो डायामीटर है वो एक ट्राइंगल्स का साइड है ए बी और ए सी बी सी। तो ए बी जो ट्राइंगल का साइड है वो पहले सर्कल का आपका डायामीटर है और ए सी ट्राइंगल का जो साइड है वो दूसरे सर्कल का डायामीटर है। तो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल्स लाइज ऑन द थर्ड साइड। तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो पॉइंट डी है, डी पॉइंट बी सी पे लाइज करेगा, यही हमें प्रूफ करना है। सो देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस करते हैं कि ए को डी से ऐड कर दिया, अब इसके बाद ए बी और ए सी अगर डायमीटर है सर्कल्स का, ए बी और ए सी डायमीटर है तो एक सर्कल का जो डायमीटर होता है वो अपने सर्कमफेरेंस मतलब डी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। सो ए डी बी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। सेम वे ए सी अगर यहाँ पर डायमीटर है तो वो अपने सर्कमफेरेंस पे जैसे कि डी पॉइंट है ए डी सी वो भी 90 हो जाएगा और अगर इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं एंगल को तो 180 हो जाता है। और ये अगर दोनों एंगल को ऐड करने के बाद 180 हो गया इसका मतलब कि बी डी और सी एक स्ट्रेट लाइन पे है और अगर बी डी सी एक स्ट्रेट लाइन पे है तो डी वो पॉइंट है जो दोनों सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो यहाँ से हम लोगों ने ये चीज़ को समझा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
ABC and ADC are two right triangles हैं with common hypotenuse AB, और हमें प्रूव करना है कि एंगल CAD और CBD आपस में इक्वल हैं। तो हमें क्या करना है कि इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ डायग्राम गिवन नहीं है। तो ABC एक ट्रायंगल है और ADC एक ट्रायंगल है, और ये दोनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल मीन्स हो गया राइट एंगल आपका ABC, मतलब B पॉइंट पे राइट एंगल है। नेक्स्ट ADC यहाँ पर D पॉइंट पे ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल नहीं है, सिंपल एंगल है, ये राइट एंगल है, क्लियर है। और यहाँ पर एक कॉमन कॉर्ड AC है, और ये AC क्या है, इन दोनों का हाइपोटेन्यूस है। AC 90 के सामने का साइड हाइपोटेन्यूस होता है, ये 90 के सामने का साइड हाइपोटेन्यूस हो गया। हमें प्रूफ करना है कि CAD दिस एंगल, CBD ये एंगल आपस में इक्वल है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। चलिए आइए देखते हैं कैसे होता है ये। सो अभी जैसे हमने बताया था कि हमने ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, वहाँ ABC B पे 90 डिग्री है और ADC D पे 90 डिग्री है, AC इसका हाइपोटेन्यूस है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि B को D से मिला दिया और A को C से मिला दिया, ज्वाइनिंग कर दिया, क्लियरली। यहाँ पर CAD जो होगा वो CBD के ये बिल्कुल बराबर होगा, क्यों, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। यहाँ पर CD जो है वो कॉर्ड है, अदरवाइज CD ये आर्क है, ये सेम सेगमेंट में CD दो एंगल बना रही हैं, CAD बना रही हैं और CBD बना रही हैं। सो इस थ्योरम और इस प्रॉपर्टी से ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, जो हमें प्रूफ करना था। तो इस क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आपको ये आ सकता है कि आपको वर्ड को ग्राफ में चेंज करना है। तो जैसा अभी हमने पेपर में अभी एक्सप्लेन किया था, ड्रॉ किया था, वैसे प्रैक्टिस करना होगा, जिससे आपको क्लैरिटीज आ जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर गिवन है कि प्रूव दैट अ सर्कल पैरेललोग्राम, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। हमें प्रूफ करना है कि एक साइक्लिक पैरेललोग्राम जो है वो रेक्टेंगल है। तो पहले तो हम आते हैं साइक्लिक, कोई भी ABCD जो है क्वाड्रिलेटरल, ये साइक्लिक तब होगा जब इसके सारे वर्टेक्स होंगे सर्कल के सर्कमफेरेंस पे होंगे, और उस केस में एंगल B और D का जो सम होगा, एंगल B प्लस एंगल D वो 180 होगा, और एंगल A प्लस एंगल C भी 180 होगा। अब नेक्स्ट है कि ABC गिवन है कि ये एक पैरेललोग्राम है, सो पैरेललोग्राम में वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, वर्टिकल अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज लेकर के रेक्टेंगल को हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। सो ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट इन अ सर्कल, और हमें ABCD एक रेक्टेंगल प्रूफ करनी है। सिंस कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जो भी मैंने बताया कि एंगल A प्लस एंगल C जो हो है वो 180 डिग्री होगा, एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री होगा, बट एंगल A और एंगल C आपस में इक्वल होगा, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। वाई, बिकॉज ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो अगर इन दोनों का सम 180 है और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, दैट मीन्स कि ये और ये क्या हो जाएंगे, 90, ये भी 90। सिमिलरली एंगल बी और एंगल डी भी क्या हो जाएंगे, 90। सो एक पैरेललोग्राम में अगर ऑल एंगल्स 90 डिग्री है, दैट मीन्स ABCD इज़ अ रेक्टेंगल।